Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 9, exercise 9.4, जो कि एक optional exercise है. Question number 4 for class 9. Question which is given in figure. ये figure already आपके question book में given. A B C D is a parallelogram. यहाँ पे A B C D ये है जो एक parallelogram. Okay. एंड बी सी इज प्रोड्यूस्ड अ पॉइंट क्यू. और ये जो बी सी है एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है क्यू, सच दैट ए डी, इस तरीका से कि ए डी इक्वल टू में सी क्यू. इफ ए क्यू इंटरसेक्ट, कहा जा रहा है कि अगर ये जो ए क्यू पॉइंट, ए क्यू लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हो डी सी को एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे, सो दैट एरिया ऑफ बी पी सी इक्वल टू एरिया, ये वाली एरिया बी पी सी इक्वल टू में एरिया ऑफ डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है कि इनकी एरिया इक्वल प्रूफ करना है. तो जब हमें किसी ट्राइंगल का एरिया प्रूफ करना होता है, इक्वल प्रूफ करना होता है, तो हम सबसे पहले उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कोई भी किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ही आपका हिंट्स दिया हुआ है कि ज्वाइन ए सी, हम ए सी को ज्वाइन कर. अब जब हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया है तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक तो पैरेललोग्राम हमें गिवे है ए बी सी डी. अगर ये लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट हो तो ये और ये, यानी पी सी पैरेलल टू ए बी ऑल्सो, ये भी पैरेलल हो जाएंगे. अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी, जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, और दो ट्राइंगल्स अगर सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन और सेम बेस पे हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को लेकर के मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको बताती हूँ. तो ये अगर बी सी पैरेलल है ए बी के तो पी सी भी पैरेलल हो जाएंगे ए बी के. तो पी सी और ए बी के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ट्राइंगल बन रहा है बी पी सी, जिससे हमें प्रूफ करने के लिए लेना है, और दूसरा हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है ए पी सी. ओके, इन दोनों ट्राइंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इनकी एरिया को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं. अब हम चलते हैं, हमने ये जो ज्वाइन किया, जब ज्वाइन करने के बाद देख रहे हो आपकी एक और पैरेललोग्राम यहाँ पे तैयार हो गया, वो क्या हो गया, ए सी को जब हमने ज्वाइन किया तो ये दोनों लाइन इक्वल है, और ये ए बी सी डी चूंकि पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ए सी डी, ए सी क्यू डी, एक पैरेललोग्राम बन गया. एक पैरेललोग्राम में जो अभी हमने फाइंड किया इसी का एक ट्राइंगल ए ए पी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू, ये जो है वो अपोजिट ट्राइंगल है. तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो उसे फोर इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल, अगर सॉरी ए सी क्यू डी एक पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ये जो एरिया है ए पी डी इक्वल टू ए पी सी इक्वल टू सी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डी, यानी चारों आपस में इक्वल हैं. अगर तो ये तो वी कैन से दैट कि ये इसके इक्वल होंगे, तो ये अपोजिट एंगल्स ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल होंगे. तो जब ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल इसके भी इक्वल है और ये ट्राइंगल इसके भी इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों भी ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे. इस तरीका से हम प्रूफ करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए, इस तरीका से यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और बी सी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है यहां तक, तो वो सारा कुछ तो है ए डी इक्वल टू सी क्यू, ये सारा कुछ मैंने लिख लिया. कंस्ट्रक्शन का पार्ट और तो है नहीं, ज्वाइन करने के बाद और कोई भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो कंस्ट्रक्शन एक दिया हुआ था वो ऑलरेडी गिवेन में है हिंट्स में, दैट्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है. तो फिर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन करके लिख दो, ज्वाइन ए सी. ओके,
टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ बी पी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी क्यू प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। ओके, रीजन डालेंगे बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, है ना। दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल्स के बिटवीन लाई कर रहे हैं। नाउ चेक अगेन, ये बी सी क्या बोला गया है कि बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। ये यानी कि ये पॉइंट जो आ रहा है, इट मीन्स ये बी सी जो है ये इसी से लगातार लाइन है, इसी को प्रोड्यूस की गई है। तो अगर ए डी पैरेलल टू बी सी, देन हम किसी भी लाइन को सपोज दैट ये है, अगर हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस कर ले, सपोज दैट दिस इज एम, ये एन और ये हो गया पी और ये क्यू, हमने इसे एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके इसे बढ़ा दिया ये आर तक, तो यहाँ बिगिन से दैट कि एम पी आर ऑल्सो पैरेलल टू एम एन। तो यही चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि ये ए डी जो है वो ए डी अगर बी सी के पैरेलल है, चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो अब बी सी को आगे जब हम प्रोड्यूस किए तो वी कैन से दैट कि ए डी ऑल्सो पैरेलल टू सी क्यू। ओके, नाउ ए डी इक्वल टू सी क्यू, ये हमारा गिवन पार्ट है एंड ए डी ऑल्सो पैरेलल टू सी क्यू, क्योंकि बी सी प्रोड्यूस्ड टू क्यू, ये बी सी को क्यू तक प्रोड्यूस की गई है, सॉरी ये पैरेलल टू सी क्यू। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। देयरफॉर ए सी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये चीज आपको पता ही है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उनके डायगोनल्स उसके उसे फोर इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया इसका एक डायगोनल और एक ये डायगोनल हो गए, इट मींस ये चार इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। तो वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। ओके, यहां पे लिखेंगे, वी कैन राइट लाइक दिस कि ओपोजिट एरिया ऑफ triangles of a parallelogram is equal. एक parallelogram का जो opposite triangles बनते हैं वो equal होते हैं, होते तो चारों equal हैं, but हमें बस इसे तीन दोनों को लेकर के solve करना था, that's why मैंने दो को लिया। अब इसे equation बना देते हैं, इसे equation 1 बना दिया और इसे equation 2 बना दिया।
from equation 1 and 2. अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ABC ट्राइंगल की एरिया जो है वो BPC ट्राइंगल की एरिया के इक्वल भी है और ABC ट्राइंगल की एरिया DPQ की भी ट्राइंगल की एरिया के बराबर है. इट मीन्स वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ BPC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ. एरिया ऑफ BPC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ. हेंस प्रूव्ड. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.